आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वीडियो लेक्चर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आज हम बात करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब बॉडी रोल्स करे ना, तो रोलिंग मोशन हो, तो उस समय उसमें किस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। देखिए, इस तरीके से हम कोई बॉडी हमारे पास है जिसमें हम पुश फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये बॉडी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में मोशन आएगा या मोशन करने की कोशिश करेगा, किंतु उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो काम करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में या लगाए गए फोर्स के डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, जो बॉडी के मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। जैसे इस तरीके से कोई बॉडी हमारे पास है जिसका वेट फोर्स डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, डब्ल्यू मान लो इसका वेट है, इसके अपोजिट यहाँ पे एक सिंपल सपोर्ट है, तो एक रिएक्शन फोर्स एन अपवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। इसमें हम एक अप्लाइड फोर्स पी हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, तो फोर्स के डायरेक्शन में इसमें मोशन हो गया, ये मोशन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, इसमें जो मोशन हो रहा है वो स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे काम करेगा वो मोशन के अपोजिट लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। साथ ही साथ ये कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस पर ऐड करेगा, जो कि एक फ्रिक्शन फोर्स है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स है। क्लियर है? तो ये इतना हमने अभी तक डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इस फ्रिक्शन फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें स्टैटिक कंडीशन में है तो इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू अलग होगा, जब डायनेमिक कंडीशन में होगा तब इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू अलग होगा। तो स्टैटिक कंडीशन में जब रहता है बॉडी, तो उस केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स किस पॉइंट पर होगा, जब बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट करे, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही हमने कैलकुलेट किया हुआ है, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब ऐसा कोई बॉडी है जो रोल कर रहा हो, तो रोल कर रहा है तो ये कैसा बॉडी होगा, कोई सर्कुलर बॉडी होगा, है ना। तो मान लो हमारे पास एक व्हील है और व्हील में लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पे एक व्हील सर्कुलर बॉडी है जिसका सेंटर पॉइंट जी है ना, और इस व्हील का जो रेडियस है वो आर है, इसका वेट हमें पता है, मान लो डब्लू वेट फोर्स है, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इसके अपोजिट जिस जहाँ पे कांटेक्ट है, जहाँ पे ये सिंपल सपोर्ट पे है, वहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वेट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये रिएक्शन फोर्स आएगा, है ना, जहाँ पे ये सपोर्ट है। अब इस तरीके से ये बॉडी या व्हील जो है रखी हुई है। अब इसमें हम दो तरीके से इसमें मोशन ला सकते हैं, एक तो इसमें स्लाइडिंग मोशन भी हो सकता है, दूसरा इसमें रोलिंग मोशन भी हो सकता है ना। तो दो कंडीशन इसमें होगी, या तो ये स्लाइड करेगी या दूसरा इसमें मोशन होगा या रोलिंग होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जब इसमें हमने एक फोर्स पी अप्लाई किया, जिसका लाइन ऑफ एक्शन इसके सेंटर पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, ये फोर्स पी हमने इस तरीके से इसमें अप्लाई किया है, तो इस फोर्स पी के कारण ये बॉडी क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, मान लो इसमें स्लाइडिंग मोशन हो रहा है। ठीक है, तो स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ जो कॉन्टेक्ट सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस से, वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, और ये बॉडी जो है राइट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बॉडी या व्हील पे लेफ्ट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, क्योंकि मोशन जिस डायरेक्शन में होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आएगा। क्लियर है? हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स पी अप्लाई किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आएगा। ठीक है, तो ये व्हील में इस तरीके से होता है। तो व्हील में जब हमने कोई फोर्स पी अप्लाई किया है जिसके कारण इसमें स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, ठीक है, या ये स्लिप कर रही है व्हील, तो इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ इज इक्वल टू म्यू एन। और ये कंडीशन किस पॉइंट के लिए है, जब ये बॉडी जस्ट स्लिप करे या जस्ट
स्लाइड करें, मतलब लिमिटिंग कंडीशन के लिए फॉर्मूला हमेशा हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये डायनेमिक कंडीशन के लिए फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से इक्वेशन हमें यूज़ करना रहता है। तो ये जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग और स्लिपिंग जो फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू इंटू एन है, क्लियर है। ये फ्रिक्शन फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो बॉडी स्लाइड करेगी या रोल करेगी, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है इस फ्रिक्शन फोर्स पे। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स, देखिए फ्रिक्शन फोर्स सेंटर से टेंजेंशियली लेफ्ट डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है सेंटर पे एक मोमेंट, मोमेंट आप सभी को पता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, जो किसी बॉडी को रोटेट कर देता है वो इफेक्ट मोमेंट कहलाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स का मोमेंट आएगा सेंटर पे एफ इंटू आर, है ना। तो इसी मोमेंट के कारण ये बॉडी रोल भी कर सकती है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे इस बॉडी को रोल भी करा सकता है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इस केस में ये बॉडी स्लाइड भी कर सकती है और रोल भी कर सकती है जब हमने फोर्स भी अप्लाई किया है। तो ये स्लाइड तो कर रही है, लेकिन रोल कब करेगी, जब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाए, म्यू इंटू एन इस वैल्यू से कम हो, तो उस केस में ये बॉडी स्लाइड करने के बजाय रोल करना स्टार्ट करेगी, क्लियर है। जब हमने कोई फोर्स भी अप्लाई किया है इसमें, तो ज़्यादातर केस में बॉडी क्या है, स्लाइडिंग मोशन ही करती है जब हम उसमें कोई फोर्स इस तरीके से अप्लाई करते हैं। ये रोल तभी करेगी जब ये फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन से कम हो, क्लियर है। तो यहाँ पे ये दोनों सिचुएशन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हील में कोई फोर्स ना लग के उसमें क्या लगे, टॉर्क लगे, व्हील में क्या लगे, टॉर्क काम करे। अब टॉर्क क्या होता है, एक ट्विस्टिंग मोमेंट ही है, मोमेंट है। देखिए आपने देखा होगा कोई गाड़ी है, कार है, है ना, उसके पहिए या व्हील्स जो है क्या है, रोटेट कर रहे हैं। तो कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है, इसका मतलब उसमें टॉर्क काम कर रहा है, कोई ट्विस्टिंग मोमेंट काम कर रहा है, जो उस व्हील को, उस सर्कुलर डिस्क को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो रोटेटिंग बॉडी में हमेशा टॉर्क काम करता है, जिसकी वजह से ये रोटेट करता है। जैसे ये कार आप देख लीजिए, जब इसका व्हील रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो सैंड पार्टिकल है, सैंड पार्टिकल है उसके सरफेस पे, जिसको पीछे की तरफ धकेल रहा है, या रेत सैंड पार्टिकल को पीछे की तरफ थ्रो कर रहा है। यहाँ सरफेस पे अगर पूरा रेत ही रेत हो, तो ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगा, चक्का तो घूम रहा है लेकिन गाड़ी आगे की तरफ मोशन नहीं कर पाएगा, क्लियर है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए आपके पास कोई ऐसा सर्कुलर व्हील है जिसका सेंटर जी है, इसका रेडियस आर है और इसका वेट फोर्स डब्लू है, ठीक है। अब ये इसमें हमने टॉर्क लगाया, टॉर्क मतलब एक ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया जो इस व्हील को रोटेट करने की कोशिश करेगा इसके सेंटर के अबाउट, ठीक है। तो ये टॉर्क हमने लगा दिया, तो टॉर्क लगाने की वजह से ये व्हील क्या होगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। और मान लो इसके सरफेस पे बहुत सारे सैंड पार्टिकल है, और ये अपने व्हील जो है सैंड पार्टिकल को पीछे की तरफ ढकेल रहा है। आपने गाड़ियों को देखा होगा कि गाड़ी का चक्का तो घूमता है, लेकिन वो आगे की तरफ मोशन नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे जो उसके नीचे वाला जो ज़मीन है, जो सरफेस है, उसके सैंड पार्टिकल पीछे की तरफ थ्रो होते हैं या पीछे की तरफ मूव करते हैं चक्के की वजह से। तो इस सिचुएशन में ये व्हील जो है आगे नहीं बढ़ पाता है, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा है सरफेस और व्हील के बीच में, जिसकी वजह से ये चक्का तो घूम रहा है, स्पिन कर रहा है टॉर्क की वजह से, लेकिन आगे की तरफ मोशन नहीं कर रहा है, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स चक्का और ये व्हील या सरफेस जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसके बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, क्लियर है। अब इसमें सेकेंड सिचुएशन देखते हैं कि इस तरीके से व्हील है जिसका रेडियस आर है, सेंटर पॉइंट जी है, इसका वेट फोर्स डब्लू डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सिंपल सपोर्ट पे है, जिसके कारण इसमें एक रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब इस व्हील में हमने एक टॉर्क अप्लाई किया, ठीक है। तो टॉर्क अप्लाई करने के बाद, है ना, इस व्हील को हमें आगे की तरफ मूव करना है। इस टॉर्क से ये व्हील घूमेगा तो, लेकिन आगे की तरफ मोशन नहीं करेगा अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है सरफेस पे।
ठीक है, तो आगे की तरफ मूव कराने के लिए, आगे की तरफ मोशन कराने के लिए इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, या हॉरिजॉन्टल सरफेस एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करता है व्हील पे, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ मोशन कर पाता है। तो इस डायरेक्शन में ये हॉरिजॉन्टल सरफेस या जो नीचे जो सरफेस है ग्राउंड सरफेस, वो व्हील पे एक फ्रिक्शन फोर्स राइट की तरफ इसमें अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये व्हील आगे की तरफ मोशन करेगा। क्लियर है? तो मोशन करने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत रहती है जो व्हील पे काम करे, जो व्हील को आगे की तरफ बढ़ाए। ठीक है, और ये फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन है, व्हील जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा उसी डायरेक्शन में इस फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे थे, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो काम कर रहा था वो बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में था, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे जो रोलिंग व्हील है वो जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, जिस डायरेक्शन में रोल कर रहा है, उसी डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, और इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये व्हील आगे की तरफ मोशन कर पाता है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो व्हील स्पिन तो करेगा लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि और इस केस में जो सैंड पार्टिकल है वो पीछे की तरफ उसको थ्रो करेगा, जैसे कि पहले डायग्राम में आप देख सकते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा रोलिंग फ्रिक्शन का। ठीक है, तो इस व्हील से हमें क्या क्लियर हुआ, जब टॉर्क एक्ट कर रहा है व्हील पे, तो व्हील क्या होगा, उस टॉर्क की वजह से व्हील केवल रोटेट होगा, स्पिन करेगा, लेकिन उसमें मोशन नहीं आएगा। मोशन कब होगा, जब उसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स ऐड करेगा, जिस डायरेक्शन में हमें मोशन कराना है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, और इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही ये व्हील जो है आगे की तरफ मूव करने लगेगा। क्लियर है? तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है मोशन के डायरेक्शन में ही एक्ट करता है किसी रोलिंग व्हील में, रोलिंग बॉडी में, जिसकी वजह से वो व्हील या वो सर्कुलर डिस्क आगे की तरफ मोशन करता है। आई होप कि रोलिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, एक फ्रिक्शन फोर्स ही है जो लिमिटिंग सिचुएशन पे काम करता है, जो बॉडी को मोशन कराता है या उसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में ये रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 है, फ्रिक्शन का ये प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, अ होमोजीनियस सिलेंडर ऑफ वेट W रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर इन कॉन्टेक्ट विथ अ वॉल। इफ द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल कॉन्टेक्ट सर्फेसेस बी म्यू, डिटरमाइन द कपल एम एक्टिंग ऑन द सिलेंडर विच विल स्टार्ट काउंटर क्लॉक वाइज रोटेशन। ठीक है, एक वर्टिकल वॉल है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, दोनों से कॉन्टेक्ट बनाते हुए एक सिलेंडर रखा हुआ है जो होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब ये सिलेंडर का जो मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन है या इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल है, हर एक पॉइंट पे प्रॉपर्टी इक्वल है। ठीक है, होमोजीनियस सिलेंडर है। ठीक है, जिसका सेंटर पॉइंट जी है, इसका वेट रेडियस हमें पता है आर है। ठीक है, इसका वेट फोर्स W दिया हुआ है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एक्ट करेगा। क्लियर है? अब इसमें हमने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कपल फोर्स या टॉर्क या मोमेंट अप्लाई किया हुआ है, जिसकी वजह से ये व्हील क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ठीक है, तो ये एम कितना अप्लाई करे या इस कपल या मोमेंट एम का वैल्यू कितना होना चाहिए कि ये व्हील क्या करे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जस्ट रोल करना स्टार्ट करे या रोटेट करना स्टार्ट करे, तो इस एम का वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ये सिलेंडर है जिसका सेंटर पॉइंट जी है, रेडियस आर है, वॉल पे पॉइंट बी पे कॉन्टेक्ट है और फ्लोर पे पॉइंट ए पे कॉन्टेक्ट है। वेट फोर्स W डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पॉइंट ए पे सिंपल सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, मान लो ये एन ए है। वैसे ही वॉल पे भी सिंपल सपोर्ट पे कॉन्टेक्ट है, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा एन बी, और ये दोनों रिएक्शन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन
सिलेंडर के सेंटर से होके ही पास होगा। क्लियर है? अब इस सिलेंडर में हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मोमेंट अप्लाई किया हुआ है, टॉर्क या कपल अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, इस टॉर्क की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी व्हील, ठीक है। तो जहाँ पे भी कांटेक्ट है वॉल पे या फ्लोर पे, तो वहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स देखिए पॉइंट ए पे लेफ्ट की तरफ होगा, मोमेंट जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स आएगा। क्लियर है? रोलिंग फ्रिक्शन है इसलिए अपोजिट रोटेशन के अपोजिट, लेकिन ये मोशन के डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है? एफ वन मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स, जिसका वैल्यू म्यू इंटू एन ए के बराबर होगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। वॉल पे कांटेक्ट है बी पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में इसमें एक्ट करेगा। एफ टू फ्रिक्शन फोर्स है, जिसका वैल्यू म्यू इंटू एन बी के बराबर होगा। क्लियर है? इस तरीके से इसमें फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सिलेंडर में, ठीक है। और सिलेंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, जस्ट टर्न करना स्टार्ट करे या रोल करना स्टार्ट करे या रोटेट करना स्टार्ट करे, उस सिचुएशन के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन का सिचुएशन है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसमें लगने वाले हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स का अल्जेब्रिक सम जीरो होगा। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, हॉरिजॉन्टल फोर्स में लगने वाले फोर्स का जीरो करते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स एन बी एड कर रहा है पॉजिटिव एक्स के तरफ, इसका डायरेक्शन है इसलिए प्लस एन बी। फ्रिक्शन फोर्स एफ वन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निगेटिव एक्स के तरफ एक्ट कर रहा है इसलिए माइनस एफ वन। एफ वन का वैल्यू म्यू एन ए है इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें ये एन बी इज इक्वल टू म्यू एन ए रिलेशन मिलेगा, ठीक है। अब समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स का सम जीरो। वर्टिकल डायरेक्शन में एन ए फोर्स एड कर रहा है अपवर्ड प्लस डब्लू, डाउनवर्ड है माइनस डब्लू। साथ ही साथ फ्रिक्शन फोर्स एफ टू अपवर्ड है इसलिए म्यू प्लस म्यू एन बी हमने प्लस लिया हुआ है। क्लियर है? ये तीन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर वर्टिकल डायरेक्शन में ऐड कर रहा है इसलिए इसका सम जीरो, ठीक है। यहाँ से हमें एन ए प्लस म्यू एन बी का वैल्यू हमें मिला है म्यू एन ए के टर्म्स में, इसका वैल्यू हमने पुट अप कर दिया म्यू इंटू म्यू एन ए इज इक्वल टू डब्लू। फाइनली यहाँ से हमें एन ए रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन ए का वैल्यू मिल जाएगा डब्लू अपॉन वन प्लस म्यू का स्क्वायर। क्लियर है? ये रिएक्शन फोर्स का वैल्यू हमें मिला। ऊपर इक्वेशन से हमें मिल जाएगा एन बी का वैल्यू, एन ए म्यू एन ए है, एन बी इज इक्वल टू म्यू एन ए है। तो यहाँ पे एन ए का वैल्यू हम पुट अप करेंगे तो एन बी का वैल्यू मिलेगा डब्लू म्यू अपॉन वन प्लस म्यू का स्क्वायर। क्लियर है? ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आगे हम बात करते हैं मोमेंट के बारे में, हमें मोमेंट निकालना है एम। तो पॉइंट जी आपको दिखाई दे रहा है, सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट पे सभी फोर्स का मोमेंट का सम लेते हैं। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट में मोमेंट का सम क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे पॉइंट जी के अबाउट सभी फोर्स के मोमेंट का सम करेंगे और ये जीरो आएगा, समेशन ऑफ एम जी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखिए एन ए और एन बी ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन जी से पास हो रहा है इसलिए इसका मोमेंट भी जीरो होगा। तो एन ए और एन बी का मोमेंट जीरो होगा पॉइंट जी पे। बाकी बचा फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स का मोमेंट देखते हैं। एक तो मोमेंट एम ऑलरेडी काम कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए माइनस एम, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोमेंट को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेते हुए ऐड करना है। एफ वन फोर्स का जो मोमेंट होगा जी पे एफ वन इंटू आर, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा इसलिए प्लस। वैसे ही एफ टू फोर्स का मोमेंट एफ टू इंटू आर, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए प्लस इज इक्वल टू जीरो। एफ वन एफ टू का वैल्यू हम रखेंगे तो ये हो जाएगा एम इज इक्वल टू म्यू एन ए इंटू आर प्लस म्यू एन बी इंटू आर। एन ए और एन बी का वैल्यू हमें पता है, हमने फाइंड आउट किया हुआ है। तो एम इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू इन ब्रैकेट डब्लू अपान वन प्लस म्यू स्क्वायर, ये एन ए का वैल्यू हमने रख दिया, इंटू आर प्लस म्यू एन बी है तो एन बी का वैल्यू रखिए म्यू डब्लू म्यू अपान वन प्लस म्यू स्क्वायर इंटू आर।
इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें मोमेंट एम का वैल्यू मिल जाएगा आर म्यू डब्लू वन प्लस म्यू पूरे का अपान या बटा होगा वन प्लस म्यू का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये म्यू का वैल्यू सॉरी एम का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है ना। ये कपल फोर्स या मोमेंट एम का वैल्यू इतना होना चाहिए जिस पे ये व्हील या सिलेंडर जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करना स्टार्ट करेगा। क्लियर है? आई होप कि रोलिंग फ्रिक्शन और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।